नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके ट्रिक्स विद प्रेम में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध जो नदियां हैं उनके प्राचीन नाम के बारे में और साथ ही साथ में इनकी सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड होते हैं ये मैक्सिमम टेस्ट में जो है रिपीट होते रहते हैं, जिसमें आप HPSSC ले लो या फिर कोई अन्य टेस्ट ले लो, उसमें मैक्सिमम टेस्ट में जो है नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले जो नदी है वो है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो चार सहायक नदियाँ हैं जिस पर ट्रिक बनी है, टोंस पर गिरी, पब्बर तथा आंध्रा। मान लो कोई टोंस है, उस पर गिर रही है पब्बर और आंध्रा, यानी हमारी ट्रिक ही इसी से बनती है, टोंस पर गिरी, पब्बर तथा आंध्रा। और साथ में दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यमुना जो नदी है वो ये जो नदी है ये जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। ये जो हिमाचल प्रदेश में खोदरी मांजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और साथ ही में ताजे वाले से हिमाचल प्रदेश से ये जो है निकल जाती है, यानी अन्य स्टेट में जो ये चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतलुज नदी की। तो दोस्तों सतलुज नदी की बात करें तो ये नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये जो है हिमाचल प्रदेश में सिपकी दर्रे जो कि किन्नौर में आपका सिपकी दर्रा है वहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। और उसके पश्चात जब ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है तो ये भाखड़ा, एक भाखड़ा गांव है जो आपने सुना भी होगा, भाखड़ा डैम, उस वहाँ एक गाँव है भाखड़ा गाँव, वहाँ से जो है ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो है पंजाब में प्रवेश करती है। और इसकी जो सहायक नदियों की बात करें तो इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक जो है आपकी बसपा और दूसरी जो आपकी स्पीति नदी। याद रखना दोस्तों इसकी जो है सिर्फ दो सहायक नदियां हैं, एक है बसपा दूसरी स्पीति। और नेक्स्ट हम बात करते हैं चिनाब नदी की। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो चिनाब नदी है ये जो है चंबा ज़िले में बुनजिंद से प्रवेश करके संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है, यानी चंबा में कोई बुनजिंद नाम से कोई जगह है वहाँ से ये प्रवेश करके जो है संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो सहायक नदी की बात करें इसकी सिर्फ दो सहायक नदियां हैं, एक है चंद्रा और दूसरी है आपकी भागा। दोस्तों इन दोनों नदियों के संगम से ये चिनाब नदी का निर्माण होता है और ये जो है ये दोनों नदियां जो है तांदी नामक स्थान पर आपस में मिलती है और वहीं से जो है चिनाब नदी शुरू होती है। नेक्स्ट हम बात करें व्यास नदी की। व्यास नदी जो है आपको पता होगा ये जो है हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से निकलती है। और ब्यास नदी की अगर बात करें तो इसकी सात सहायक नदियां हैं जिसमें पार्वती, बाणगंगा, लूणी, सैंज, तीर्थन, हारला, उहुल सम्मिलित हैं। और नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो है आपकी रावी नदी। अगर रावी नदी की बात करें हम तो रावी नदी जो है चंबा में एक खैरी नामक स्थान है वहाँ से जो है ये निकलकर जम्मू कश्मीर में चली जाती है। और जो रावी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है आपकी भांदल, तंतगरी, छत्राणी, सयुल, साल, यानी इसकी जो है पांच सहायक नदियां हैं। कितनी हैं दोस्तों? पांच सहायक
नदियाँ हैं जिसमें बांधल, तंतगरी, छतराणी, सियोल, साल। बांधल, तंतगरी, छतराणी, सियोल, सयोल, साल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की जो प्राचीन नाम है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका सतुद्री। क्या नाम है? सतुद्री। और इसका जो संस्कृत नाम है वो है आपका सतुद्रु। क्या है दोस्तों? सतुद्रु। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यास नदी का वैदिक नाम के बारे में। व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका अर्जिंक्या। व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिंक्या। और संस्कृत नाम है विपाशा। क्या नाम है दोस्तों? विपाशा। नेक्स्ट नदी की बात करें हम तो वो है आपकी रावी नदी। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका परुषानी। क्या नाम है? परुषानी। यानी इसको कई जगह पर परुषणी भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। और संस्कृत जो नाम है वो है आपका इरावती। क्या नाम है दोस्तों? इरावती। संस्कृत में इसको बोला जाता है इरावती। और चिनाब नदी की बात करें हम तो इसका जो वैदिक नाम है वो एकमात्र वैदिक नाम है वो है आपका असिकनी। असिकनी वैदिक नाम है असिकनी। और यमुना का एकमात्र नाम है, इसमें ना ही कोई वैदिक नाम है इसका, ना ही कोई संस्कृत नाम है इसका। एक और नाम है वो है आपका कालिंदी। क्या नाम है दोस्तों? कालिंदी। और याद रखना दोस्तों, ये जो प्राचीन नाम है संस्कृत और वैदिक, ये मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट को टेस्ट जो हिमाचल प्रदेश के होते हैं उसमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, इनको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इनको याद रखना। तो आज की इस वीडियो का अंत में यहीं पर करता हूँ। और दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।